नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने ट्रायल में छूट नहीं मांगी। रविवार को सोशल मीडिया पर लाइव हुए तीनों पहलवानों ने कहा, हम धरने में थे इसलिए हमने सिर्फ ट्रायल के लिए समय मांगा है, इसमें छूट नहीं मांगी है। छूट का झूठ फैलाया जा रहा है, ये झूठ बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त फैला रहे हैं। बजरंग पूनिया ने दत्त को चुनौती देते हुए कहा, योगेश्वर खुद एक पंचायत बुला ले, उस पंचायत में हम भी शामिल होंगे, वहाँ हम अपना मांग पत्र दिखाएंगे। अगर उसमें ये बात होगी कि हम ट्रायल नहीं देंगे तो हम कुश्ती ही छोड़ देंगे। विनेश फोगाट ने कहा, बेशक बर्बाद हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ब्रजभूषण को जेल भिजवा कर ही हम दम लेंगे। हम चुप नहीं हुए हैं बल्कि हमें चार्जशीट का इंतजार है। चार्जशीट पढ़ने के बाद ही हम बताएंगे कि हमें धरना देना है, सड़क पर बैठना है या जिंदगी दांव पर लगानी है। वहीं पानीपत पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 पहलवानों को विशेष छूट दिए जाने के मामले में कहा कि यह फैसला इंडियन ओलंपिक संघ की एडहॉक कमेटी का है, सभी निर्णय उन्हीं के हैं, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तीनों पहलवानों के बाद रात करीब 9:30 बजे योगेश्वर दत्त सोशल मीडिया पर लाइव हुए। उन्होंने कहा कि इन पहलवानों का ट्रायल होना ही चाहिए, नहीं तो सबको ऐसी छूट मिलनी चाहिए। वीरेश ने कहा था कि योगेश्वर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इशारे पर ये हम पर निशाना साध रहे हैं। इसके जवाब में योगेश्वर ने कहा, मेरे पास सरकार का कोई पद नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती जो सरकार के हक में बोलूंगा, पहलवान होने के नाते मेरी सोच है वही कह रहा हूँ। इसी